Hello everyone, let's take some more questions for the PDS. Let's say we have a language A power n, B power m and C power m plus n. तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि पहले A's आएंगे, उसके बाद B's आएंगे, उसके बाद C's आएंगे और A की संख्या और B की संख्या जो है उसकी क्यूमुलेटिव काउंट जो है वो C की संख्या के इक्वल है. तो लेट्स टेक n as let's say 2 and let's take n as 3. Then in this case, one of the string of this language becomes a square, b cube, and c raised to the power 5. So पहले a's आएंगे, फिर b's आएंगे, फिर c's आएंगे, और c की संख्या a और b की संख्या के योग के बराबर होगी. So हम PDA कैसे डिजाइन करेंगे? हम ऐसा कह सकते हैं कि जब a's आए तो उसको पुश कर लीजिए, जब b's आए तो उनको पुश कर लीजिए, और जब c's आए तो आप पॉप कर लीजिए. अगर एंड में स्टैक एम्प्टी बचता है, इसका मतलब कि जो स्ट्रिंग है वो हमारी पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई. इसी के लिए आइए हम पीडीए डिजाइन करते हैं. सो लेट्स से वी हैव द Q0 स्टेट, दैट इज द स्टार्ट स्टेट. लेट्स टेक वन स्टैक व्हिच हैज द Z0 एज द टॉप सिंबल एंड लेट्स डिफाइन द इनपुट टाइप व्हिच हैज डबल A, ट्रिपल B एंड 5 times C फॉलोड बाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन जरूर होगा हमारे लास्ट सिंबल में, इनपुट टाइप में. सो वी गेट ए. जैसे ए मुझे मिलेगा और स्टैक के टॉप पे अगर हम जेड नॉट देखेंगे तो मैं इस सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा. तो फर्स्ट ए को मैंने स्टैक पे पुश कर दिया. सिमिलरली मुझे जब बी मिलेगा और स्टैक के टॉप पे मुझे ए मिला और स्टैक के टॉप पे ए है तो मैं इसको भी स्टैक पे पुश कर दूंगा. सेकेंड ए को मैंने पुश कर दिया. अच्छा, ये इंश्योर करने के लिए कि ए के बाद बी ही आता है, तो जब मुझे बी मिलेगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप में मूव करूंगा. तो मुझे बी मिला और स्टैक के टॉप पे ए था तो मैंने बी सिंबल को स्टैक पे पुश कर दिया. सो आई एम मूविंग टू Q1 स्टेट. सिमिलरली अगर मुझे बी सिंबल अगेन मिला और स्टैक के टॉप पे बी है तो मैं उसको भी स्टैक पे पुश कर दूंगा. तो एक बी को मैंने पुश किया, फिर दूसरा बी आया तो भी पुश कर दिया. स्टेट Q1 में रहा. एक बी और आया इनपुट टाइप से तो मैं स्टेट नंबर Q1 में रहा, लेकिन स्टेट पे मैंने इसको पुश कर दिया. फिर जैसे ही मुझे C मिला मैं नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहा हूँ. ऐसा इसलिए इंश्योर कर रहे हैं कि बी के बाद C's आते हैं. ऐसा नहीं है कि बी के बाद C एंड देन उसके बाद बी आ जाए. तो इसलिए स्टेट चेंज करना जरूरी है. तो मुझे C मिला, स्टैक के टॉप पे बी था, मैंने सी सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक से पॉप करना स्टार्ट कर दिया. तो मुझे सी सिंबल मिला, स्टैक के टॉप पे बी था, मैंने इसको पॉप कर दिया. ओके, सो आई एम मूविंग टू स्टेट नंबर Q2. इसके बाद मुझे सी मिला और स्टैक में बी ही था तो मैं इसको भी पॉप करता रहूंगा. तो मुझे एक और सी मिला, स्टैक के टॉप पे बी है, मैंने इसको पॉप कर दिया. एक और सी मिला और मुझे स्टैक के टॉप पे बी मिला, मैंने इसको पॉप कर दिया. मैं Q2 स्टेट में रहा. इसके बाद मुझे C मिला और स्टैक के टॉप पे स्मॉल a है तो मैं इस केस में भी स्टैक को पॉप करूंगा. तो मुझे C मिला, स्टैक के टॉप पे a है, मैंने इस सिंबल को पॉप कर दिया. इनपुट टाइप से मुझे एक और C मिलेगा, स्टैक के टॉप पे मुझे a दिखेगा, मैं इसको पॉप कर दूंगा और मैं स्टेट Q3 में ही रहूंगा. इसके बाद मुझे इनपुट टाइप से एप्सिलॉन दिखेगा और स्टैक एम्प्टी है. तो अगर एप्सिलॉन मुझे मिला और स्टैक एम्प्टी है, जेड नॉट सिंबल मुझे दिख रहा है स्टैक के टॉप पे, तो मैं इसको जेड नॉट ही छोड़ दूंगा एंड आई विल मूव टू द फाइनल स्टेट. सो दिस वे वी हैव डिफाइंड द PDA, वी हैव डिजाइंड द PDA फॉर द गिवन लैंग्वेज. सो आइए अब इसमें ट्रांजिशंस को डिफाइन कर लेते हैं. जो पहला ट्रांजिशन है उसमें हम Q0 स्टेट में है, मुझे स्मॉल a मिला और Z0 स्टेट में मैं हूँ. Z0 इज द करंट स्टैक सिंबल, टॉप स्टैक सिंबल. तो मैं मूव कर रहा हूँ Q0 स्टेट में और a को पुश कर दूंगा. नेक्स्ट ट्रांजिशन है कि मैं Q0 स्टेट में हूँ, मुझे a मिला, स्टैक के टॉप पे भी a है तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर दूंगा. फिर Q0 स्टेट में मुझे b मिला लेकिन स्टैक के टॉप पे a था, तो उस केस में मैंने इस B सिंबल को स्टैक पर पुश कर दिया। फिर Q1 स्टेटमेंट मूव कर रहा हूँ, इसके Q1 स्टेटमेंट में हूँ और मुझे B मिला, स्टैक के टॉप पे B ही है, तो मैं इस सिंबल को भी स्टैक पे पुश कर रहा हूँ और मैं Q1 स्टेट में ही रहूँगा। फिर Q1 से मुझे C दिखा और स्टैक के टॉप पे B सिंबल है, तो ये पॉप का केस है। तो मैं Q2 स्टेट में मूव करता हूँ और स्टैक को पॉप कर देता हूँ। फिर मैं Q2 स्टेट में हूँ और मुझे फिर से C मिला और स्टैक के टॉप पे अगर B है तो मैं Q2 स्टेट में रहता हूँ और स्टैक को पॉप कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं Q2 स्टेट में हूँ और मुझे C सिंबल मिला, लेकिन स्टैक के टॉप पे A है, तो मैं स्टेट को चेंज करता हूँ और मैं Q3 स्टेट में जाता हूँ और पॉप कर देता हूँ। फिर Q3 स्टेट में अगर मुझे और C मिले और स्टैक का टॉप A है तो मैं पॉप करता रहूँगा सिंबल को। और ये लास्ट ट्रांजिशन डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मैं Q3 स्टेट में हूँ और मुझे अगर एप्सिलॉन मिला और स्टैक का टॉप सिंबल Z0 है तो मैं फाइनल स्टेट QF में मूव करूँगा और स्टैक के टॉप सिंबल को चेंज नहीं करूँगा। सो दिस वे आई कैन रीच टू द फाइनल स्टेट। So we will take more examples on the PDF in the subsequent lectures. Thanks for watching this.